Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hi. I hope each one of you is doing really good, being safe at home. Yes? Okay. So a very warm welcome to Tulo's Education. I'm Dr. Sheetal Puri and today's topic of discussion is respiration steps and its types. आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत कंसेप्चुअल एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड यू आर गोइंग टू कम अप विथ क्लियर कॉन्सेप्ट्स, आई प्रॉमिस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. ओके, सो एज बायोलॉजी स्टूडेंट आप लोग के दिमाग में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आते होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी नीड एयर, वाई डू वी नीड टू ब्रीथ. सेकेंडली, रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं. ऑल राइट, एंड ब्रीदिंग को हम किस नाम से जानते हैं, वॉट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्रीदिंग, हाउ कैन वी कनेक्ट इट विद रेस्पायरेशन. ओके, वो भी हम देखेंगे आज. ऑल राइट, सो वॉट आर द स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन द रेस्पायरेशन विच विल हैपन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे. हम लोग स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके प्लांट रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में कवर होते हैं. हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स को यूजली डाउट्स उसी पर होते हैं. ऑल राइट, चलिए. And then we'll see what is external and internal respiration, what is the difference. Then we'll understand fermentation और उसकी ज़रूरत क्यों है. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, ये आपकी right side में animation दिख रही है, ये क्या है, breathing है या respiration है? Any guesses? If you have thought of breathing, you're right. Congratulations. Breathing है, respiration नहीं है. Okay, so breathing क्या है? Simply inhalation of fresh air and exhalation of foul air. Right? हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वेंटिलेशन कहेंगे इसको और इसी को ब्रीदिंग भी कहते हैं. ओके, जब हम फ्रेश एयर की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपका जो कंपोजिशन होगा वो वेरी करेगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट देखिए, 21% ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, 0.04%. ओके, और जब हम एक्सहेल करेंगे आपकी ऑक्सीजन कम हो गई अप्रॉक्सीमेटली 16% एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 4%, अप्रॉक्सीमेटली 4%. तो कैन यू सी 100 folds इंक्रीज कर गई, 100 times इंक्रीज कर गई. और क्यों इंक्रीज करेगी वो भी हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है. ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट रियली क्लियर होने वाले इस वाली क्लास में, आई प्रोमिस. ओके, अब रेस्पायरेशन क्या है इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, देखिए सिंपल इक्वेशन, आपकी ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू हैव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बेसिकली क्या चाहिए हमें, एनर्जी. हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट? वॉट एवर मेटाबॉलिक प्रोसेस इज हैपनिंग इन अ बॉडी, दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी. ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, रेस्पायरेशन. इसीलिए हम लोग को रिस्पायर करना होता है. अब देखिए एक बात और, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स. ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. दो टाइप की होती है आपकी रेस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, एनारोबिक वो बैक्टीरिया क्या करेगा जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है एनवायरमेंट में ब्रीथ करने के लिए, तो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा. हाउ डू वी ब्रीथ, एरोबिकली. ओके, चलिए स्टेप्स क्या है एरोबिक रेस्पायरेशन में, ये स्टेप्स को हम बिल्कुल ब्रीफ में देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ पाए, आप एक लिंक बिठा पाए, आप कनेक्ट कर पाए कि रेस्पायरेशन है क्या एक्चुअली. ऑल राइट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारी मेजर पार्ट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है. चलिए, तो पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस, राइट? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको स्टैंड फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस स्टैंड फॉर ब्रेक डाउन. हम इसको बहुत सिंपल डायग्राम से समझ रहे हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग वील अंडरस्टैंड फ्रॉम डायग्राम्स ओनली, क्रिएटिंग अ पिक्चर मेमोरी फॉर यू गाइज. पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छी मेमोरी होती है. चलिए, सो ये देखिए आपका फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस. आपका ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू प्रोड्यूस 2 molecules ऑफ पाइरुवेट. ऑल राइट, साथ में क्या है, इसमें दो बातें नोट करने वाली होती है. सबसे पहली बात तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, राइट? साइटोप्लाज्म में होता है, क्यों? बिकॉज आगे के स्टेप्स हैं ना आपके, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स, उनके पास सेल ऑर्गेनिज नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ये आगे के स्टेप्स नहीं एग्जिबिट कर पाएंगे, राइट? तो ग्लाइकोलाइसिस इज दी कॉमन स्टेप. एक बात और देखिए, ऑक्सीजन इसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा है. तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या ये कॉमन स्टेप हो सकता है एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पायरेशन के लिए? येस, इट इज़ अ कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पायरेशन. ओके,
एंड इसमें CO2 इवॉल्व नहीं हो रही है, बट क्या बन रहा है? NADH. ये NADH क्यों बन रहा है और क्या पर्पस है वो हम देखेंगे अभी. ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. एंड इसमें नेट गेन क्या होता है ATP का? 2 ATP होती है, 2 हमें लगानी पड़ती है, 4 हमें मिलती है पे ऑफ फेस में, लेकिन नेट गेन 2 ATP का होता है. ओके, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, पायरुवेट मेटाबॉलिज्म. इसको हम ब्लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं. अब पायरुवेट फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए. इसी को हम बोलते हैं पायरुवेट मेटाबॉलिज्म. इसमें भी आपका NADH इवॉल्व हो रहा है एंड CO2 भी रिलीज हो रहा है. ओके, थर्ड स्टेप है आपका क्रेब्स साइकिल. जब एसिटाइल कोए फर्दर ऑक्सीडाइज होगा वाया क्रेब्स साइकिल टू रिलीज ATP एंड CO2 अलॉन्ग विद NADH एंड FADH2. सो दिस इज योर थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल. ऑलराइट, एंड फोर्थ, उसे समझने के लिए हम लोग पहले NADH का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत क्यों है. ओके, चलिए अब आप ये स्टेप देखिए. ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म में हुआ, वेरी कलरफुल डायग्राम. ये स्टेप दिख रहा है आपको, जब ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट आपका कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में. ओके, चलिए और सिंपल फॉर्म में देखते हैं. ग्लाइकोलाइसिस का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. मैंने बोला था कि NADH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहीं से समझेंगे हम NADH का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. देखिए, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट जब आपका 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस. ओके, तो क्या हुआ, ये देखिए NADH बन रहा है. ठीक है, ये बहुत सिंपल नहीं है. NADH बन रहा है एक पर्पस के लिए बन रहा है. ओके, ATP तो रिलीज हो ही रही है लेकिन NADH भी रिलीज हो रहा है. इसका क्या रोल है? जब आपका ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो उससे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं. ओके, हाइड्रोजन एटम्स जब रिमूव होंगे तो आपके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दे आर लोडेड ऑन टू NAD+. यहाँ पे देखिए NAD+ पे इलेक्ट्रॉन्स लोड कर दिए जाते हैं. इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड दैट इज वाई इट इज गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म दिस NADH2. अब जब NAD+ के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म NADH2. अब जो भी NADH होता है ना, कि बहुत दानवीर होता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेगा, ये आगे उसको कैरी करेगा. किसको देने के लिए? ओके, किसको देने के लिए? O2, यानी ऑक्सीजन को देने के लिए. देखिए, ऑक्सीजन को देने के लिए ये आगे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा. और किससे ट्रांसपोर्ट होंगे, किसके थ्रू जाएंगे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू. अब ये वर्ड याद रखिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, इसी से हमारा मेन ATP प्रोडक्शन होता है. राइट, अब एक बात और है आपकी. देखिए, अब केमी ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम इन दोनों को मिला के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. ऑलराइट, डोंट गेट कन्फ्यूज. अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं इसका मतलब सिर्फ ETC. अगर आप केमी ऑस्मोसिस बोल रहे हैं इसका मतलब सिर्फ केमी ऑस्मोसिस. लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं. ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं आगे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. राइट, अभी यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. इन इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अंदर वाला आपका मैट्रिक्स, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, फोल्डेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. राइट, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. और ये हम ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रहे हैं. राइट, सो ये आपका मैट्रिक्स है अंदर. दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, सो इनर मेम्ब्रेन में आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को NADH से लेके आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे. ऑलराइट, सो ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन में सारे आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको हम रोमन न्यूमेरिकल्स में नंबर करते हैं. राइट, 1, 2, 3, 4 ऐसे. एंड अब ये NADH, देखिए यहाँ पे NADH अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा था. ओके, अब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इन कॉम्प्लेक्सेस को दे देगा आगे पास करने के लिए. तो NADH ने तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, प्रोटॉन्स भी रिलीज कर दिए, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. राइट, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो ऑक्सीडेशन हो रही है, NADH इज गेटिंग टू इज बींग कन्वर्टेड टू NAD+. ओके, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. अब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं अंदर. ओके, तो ये जब आपका ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जब पास हुए आपके
कॉम्प्लेक्स वन के पास से कॉम्प्लेक्स टू पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे पास होते हैं ना कॉम्प्लेक्सेस से, तो अपने हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं. ओके, दे कम फ्रॉम देयर हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड. और उस एनर्जी को वो किस लिए यूज़ करेंगे, ये जो आपके प्रोटॉन्स इन्होंने दिए ना, NADH ने जो प्रोटॉन्स रिलीज करे, उसको बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पुश करने के लिए. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपकी इन दोनों के बीच की स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस. ऑलराइट, सो प्रोटीन जैसे ही इनको एनर्जी मिलती रहेगी इलेक्ट्रॉन से, राइट, तो ये बाहर प्रोटॉन्स पुश करते रहेंगे. और क्या होगा, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स जो है बाहर प्रोटॉन्स पुश करते रहेंगे, कैन यू सी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है और मैट्रिक्स जो आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया है, राइट, नेगेटिवली चार्ज हो गया मैट्रिक्स. तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, राइट. मैंने कहा था एक चीज़ याद रखने के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस. तो डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, राइट. अब इसका हम फायदा उठाने वाले हैं, ओके, इसका हम फायदा उठाने वाले हैं. चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये हाइड्रोजन आयन्स जो है ना, वो आपके इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते. क्यों? बिकॉज ये इम्परमेबल होती है आयन्स के लिए. तो इसमें आपका कौन हेल्प करेगा, ATP सिंथेस, दिस ब्लू कलर्ड, ओके, इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, राइट, इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं. एंड ये हेल्प करेगा आपके हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट को टू गेट इनटू द मैट्रिक्स, राइट. हाइड्रोजन आयन्स को मूव करेगा टू गेट इनटू द मैट्रिक्स. ऑलराइट, सो अभी ये हाइड्रोजन आयन्स बिकॉज दे विल बी मूविंग डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स में मूव करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉस्फोरिलेशन के लिए, ADP की फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो आपकी ATP बन गई, ओके, नाउ अंडरस्टूड कि ATP कैसे बन रही है, किसकी मदद से बन रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से बन रही है, ओके. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आए, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसके पास गए, ऑक्सीजन के पास, ठीक है, NADH आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन्स को एक्सेप्ट करेगा आपका H2O बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए. ऑलराइट, सो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट. आपका ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि NADH जो है, NADH आपका ऑक्सीडाइज हुआ था, राइट, और उसी ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे आपकी फॉस्फोरिलेशन हुई, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. वेरी क्लियर, आप समझ में आए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं. चलिए एक चीज़ और हम देखते हैं, NCERT में आपकी एक लाइन है कि एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. अभी आपको समझ में आया कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका, NAD+, ओके, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है आपका, ऑक्सीजन. इसी की वजह से आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेस जो है बाहर प्रोटॉन्स पुश कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई. अब ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये भी समझ में आ गए कि ऑक्सीजन का क्या रोल है, राइट. ऑक्सीजन का रोल है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, एट द एंड आता है. चलिए ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. आपके रेस्पायरेशन में दो फेसेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पायरेशन. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम ये भी समझेंगे. एक और बात, आपने देखा कि वाटर कहाँ बना, लास्ट में बना, राइट. तो अभी समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना और आपका वाटर कहाँ बना, ओके. तो चलिए वापस आ जाइए एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पायरेशन पे. एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैं अच्छे से फ्लो डायग्राम्स मैंने तैयार किया आपके लिए, उससे हम समझेंगे. पहले यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग. एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या है, सिंपली हम इनटेक कर रहे फ्रेश एयर और फाउल एयर एक्सहेल कर रहे हैं इनटू द सराउंडिंग मीडियम, ओके. तो इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो कहाँ होगा, इट हैपन्स अक्रॉस द रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, ओके, लंग्स की रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन से, एल्वियुलर एयर से इनटू द ब्लड. इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको ना सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं बोलते या एक्सटर्नल बोलते हैं, बाहरी, राइट. एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर. अभी तक ये समझिए, ये एल्वियोलाई है आपका, जहाँ पे अल्टीमेटली आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट, एल्वियोलाई में होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका, इट मूव्स इनसाइड. ये पल्मोनरी कैपिलरी है आपका, जिसमें ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज. यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. पल्मोनरी रेस्पायरेशन का दूसरा नाम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है. अब इसमें कोई, इसमें बाहरी एक्सचेंज हो रहा है, राइट, सिंपल से वेंटिलेशन हो रहा है. तो क्या हम इसको ब्रीदिंग बोल सकते हैं,
यस, इसको हम ब्रीदिंग बोल सकते हैं, राइट? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इज ओनली ब्रीदिंग, राइट? ब्रीदिंग ही आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है. क्लियर? ओके, दूसरा नाम पता चल गया ब्रीदिंग का. ऑल राइट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. आपकी यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलर एयर से ब्लड में. ओके, किसी सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बॉडी सेल यहाँ पे कहीं रोल प्ले नहीं कर रहा है. ओके, अब इधर आ जाइए. देखिए, अब यहाँ पे बाइंड तो हो गया ऑक्सीजन आरबीसी के साथ, अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है बॉडी में, राइट? ऑर्गन्स के पास ट्रांसपोर्ट करना है, उसको बॉडी टिश्यूज के पास पहुँचाना है. तो क्या होगा? वाया हार्ट, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड वाया आर्टरीज, ये आपके टिश्यूज तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक पहुंचता है. अब जो आर्टरीज के में जो ब्लड है, ब्लड से टिश्यूज में जो गैसेस एक्सचेंज होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, राइट? अब ये यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, आपको ऑक्सीजन जाएगी अंदर, टिश्यूज में डिफ्यूज करेगी, सेल्स में डिफ्यूज करेगी, एंड सेल्स वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे आगे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए. ग्रेट, चलिए. सो इंटरनल रेस्पायरेशन, इसको सेलुलर रेस्पायरेशन क्यों बोल रहे हैं पता चल गया, बिकॉज इसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है. सेल्स जो है आप आगे ऑक्सीजन लेने वाले हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होगा इंटरनल रेस्पायरेशन में? देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स और टिश्यूज, राइट? आपने क्या किया था, एल्वियोलाई से आपने ऑक्सीजन ले ली, अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है बॉडी में. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होता है आपका बिटवीन दी ब्लड एंड बॉडी सेल्स. उसमें किसमें हो रहा था? एक्सटर्नल में एल्वियोलाई के बीच में हो रहा था, राइट? एल्वियोलाई ब्लड में हो रहा था एक्सचेंज. इसमें किसमें हो रहा है? ब्लड एंड बॉडी सेल्स या टिश्यूज में सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम उसको इंटरनल बोल रहे हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका कहाँ चला जाता है? एल्वियोलाई के पास वापस चला जाता है, सेल्स से, जो सेल्स में प्रोड्यूस हो गया है. ओके, अब ये ऑक्सीजन जो है इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी सेल्स फॉर रेस्पायरेशन. ऑल राइट, ओके, ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन है रेस्पायरेशन की. ग्रेट, चलिए, एनारोबिक रेस्पायरेशन हम जल्दी से देखेंगे. मेन इसमें हमें जो समझना है ना, वो ये है कि फर्मेंटेशन क्यों होती है. ओके, चलिए, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या है? इट इज हैपनिंग विदाउट ऑक्सीजन. किसमें होगी? एनारोबिक बैक्टीरिया में होगी, यीस्ट में होती है, पैरासिटिक एनिमल्स में होती है, राइट? टेप फर्म, फेसियोला, स्कैरिस, ओके, एंड सम ऑर्गेनिजम्स दे विल यूज सल्फेट और नाइट्रेट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये ऑर्गेनिज्म सल्फेट या नाइट्रेट को यूज करते हैं. ऑल राइट, वेरी क्लियर, ओके. अब चलिए हम ये भी देखते हैं कि ये लेस एफिशिएंट क्यों है. हमने देख लिया था ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस हो रही थी. ओके, एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब नेट गेन क्या होता है आपका ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा हम लोग को. ऑल राइट, चलिए, ये देखिए, आपका नेट गेन जो है आपके ग्लूकोज से, वो आपका कितना है? 36 ATP मॉलिक्यूल्स है. लेकिन एक और बात यहाँ पे नोट कीजिए, ये सिर्फ मसल और नर्व सेल्स में है, ठीक है? मसल और नर्व सेल्स की जब हम बात करें, इसमें 36 ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन लिवर, किडनी एंड हार्ट में 38 ATP प्रोड्यूस होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ लिया तो इसको भी समझना बनता है. जो आपके NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुआ है, एक NADH से हम लोग को 3 ATP मिलती है और एक FADH2 से हम लोग को 2 ATP मिलती है. ओके, अब आपके जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे ना, ये देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे, ठीक है? ये क्या होते हैं, ये साइटोसोल में बने, साइटोप्लाज्म में बने, राइट? तो अब इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा. तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते, तो इनको एक शटल सिस्टम लगता है. जैसे हमारी एक शटल होती है ना, कहीं एक बड़े वाले स्टेशन पे हम लोग उतरे, तो वहाँ से जहाँ हमें जाना है उसके लिए हम शटल लेते हैं, जैसे रैपिड मेट्रो हो गई या शटल हो गई, वैसे दो टाइप के शटल सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है? ये पहला टाइप का शटल सिस्टम देखिए. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके NADH2 को जो साइटोसोलिक NADH2 है, उसको अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, तो ये पहला शटल सिस्टम में क्या होगा कि NADH2 NAD में कन्वर्ट होगा और फिर से दोबारा से NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट?
अब ये वाला जो शटल सिस्टम है ना आपका, ये लिवर हार्ट और किडनी में होता है. ओके, तो लिवर हार्ट और किडनी पे हुआ तो कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो गई आपकी, 6 ATP हो गई. हम उन दो NADH2 की बात कर रहे हैं. अब सेकंड वाला शटल सिस्टम देखिए आपका, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, FAD में, जो आपको सिर्फ 2 ATP देने वाला है. और ये वाला शटल सिस्टम आपका होता है नर्व सेल्स में और मसल्स में. और कितना हमें मिला ATP, 4, तो 2 ATP का डिफरेंस आ गया, आपकी 36 यहाँ पे होंगी और यहाँ पे 38 हो जाएंगी. ओके, ग्रेट, चलिए, ऑल राइट, ठीक है. अब दोबारा हम आते हैं वापस अपनी रेस्पायरेशन पे. ग्रेट, चलिए, एनारोबिक रेस्पायरेशन तक हमने पढ़ लिया था, अब हम फर्मेंटेशन समझेंगे. ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है और क्यों ज़रूरत है. ये फर्स्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस, राइट. ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड्स है, जो ग्रे कलर की डॉट्स है ये आपके कार्बन नंबर बता रही है. ओके, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ आपके 3 कार्बन कंपाउंड में. अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एरोबिक रेस्पायरेशन शुरू कर देता, लेकिन नहीं मिला. इसको फेट ऑफ पायरुवेट भी कहते हैं कि पायरुवेट का क्या होने वाला है, राइट. तो अब ये देखिए, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया तो क्या हुआ कि NAD+ ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिया और ये रिड्यूस हो गया. अब जब ये रिड्यूस हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सारा रिड्यूस हो गया, राइट, सारा यूटिलाइज हो गया. तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी, ये तो रुक जाएगी. अब इस NAD+ को रीजनरेट कैसे करेंगे, NAD+ को रीजनरेट करने के लिए 2 मैकेनिज्म्स होते हैं. पहला मैकेनिज्म देखिए फर्मेंटेशन का, पहला मैकेनिज्म क्या है, जो आपका यीस्ट में हो रहा है, राइट. यीस्ट में देखिए क्या हो रहा है, यीस्ट में आपका पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा इथेनॉल और CO2. ओके, इथेनॉल और CO2 बना देगा और इसी से आपका NAD+ रीजनरेट हो जाएगा. सेकेंड, जो आपका लैक्टेट बन रहा है मसल्स में, क्या होगा, पायरुवेट से लैक्टेट बन जाएगा, लैक्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा और फिर NAD+ आपका रीजनरेट हो जाएगा ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करती रहे. वेरी क्लियर, सब कुछ क्लियर है, तो इट डिजर्व्स अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. येस, डेफिनेटली ऑल द हार्ड वर्क आई एम डूइंग, इट डेफिनेटली डिजर्व्स अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑलराइट, ओके, मुझे भी ATP की जरूरत है ना, आपके लाइक मेरे लिए ATP की तरह है, तो प्लीज गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक्स. ऑल राइट, सो क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि फर्मेंटेशन एक्चुअली क्यों करनी पड़ती है NAD+ को रीजनरेट करने के लिए. ऑल राइट, अब देखिए ये आपका केक का स्ट्रक्चर, मुंह में पानी आया. ओके, ऑल राइट, सो ये जो केक का स्पॉन्जी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये किसकी वजह से, हम जब बेक करते हैं, केक बेक करते हैं, कुछ लोगों ने किया भी होगा, तो उसमें हम यीस्ट डालते हैं. यीस्ट ऐसे यही करेगा, यीस्ट आपका इथेनॉल बना रहा है और CO2 इवॉल्व कर रहा है. तो जब हम बेक करने लगेंगे ना, तो क्या होगा, ये दोनों की दोनों इवेपोरेट कर जाएंगे, इथेनॉल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और पीछे से क्या रह जाएगा आपका, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर. तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अभी क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को भी याद रख सकते हैं और केक के स्ट्रक्चर को भी याद रख सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इट ब्रीदिंग क्या है आपकी, सिंपली इनटेक एंड एक्सहेलेशन है आपकी, फाउल एयर का एक्सहेलेशन, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर. रेस्पायरेशन में आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है. ब्रीदिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है, राइट. अब एनिमेशन में, जो पहली एनिमेशन याद है आप लोगों को, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ऐसे नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे जा रहा था, वो क्या है, डायफ्राम है, ठीक है. हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो कुछ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ब्रीदिंग आपका एक एक्टिव प्रोसेस है, स्पेशली इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है. ओके, तो ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी जो है ना वो यूज होती है, रिलीज नहीं होती, लेकिन आपकी रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है. ऑल राइट, रेस्पायरेशन आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है. कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, ऑक्सीडेशन एंजाइम्स. और ब्रीदिंग आपका सेल्स के बाहर हो रहा है, ये तो हमने पूरा फ्लो डायग्राम से समझ लिया. और रेस्पायरेशन आपका, इट इज़ हैपनिंग इनसाइड दी सेल्स. ऑल राइट, चलिए, सम क्वेश्चंस फॉर यू. डस एनारोबिक रेस्पायरेशन अकर इन अ बॉडी, अभी तो कहेंगे मैम ने बताया ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में होता है. मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग द आंसर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो होता है तो कहाँ होता है, ओके, इफ समबडी ऑफ यू हैज गेस्ड, सो यू आर वेरी राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन. स्केलेटल मसल्स में होता है, पीछे वाले डायग्राम में भी हमने देखा, लैक्टेट मसल ऊपर लिखा हुआ था डायग्राम में. तो जब हम जिम जाते हैं, जिम से वापस आते हैं, कुछ घंटों बाद में इतनी तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है, क्योंकि मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, राइट. ओके,
ग्रेट. सब ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा ना, इट इज सेंड टू लिवर फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन. ओके, आइदर लिवर और कार्डियक मसल्स में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके, सो सेकेंड, येस, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो हमेशा एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके नीट में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, चलिए. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स. डू लाइक द वीडियो एंड आई हैव कंपाइल्ड अ गुड क्विज फॉर यू विद वेरी गुड क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो डू वॉच. Till then, stay safe, stay happy. Goodbye.